हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1000 प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट। बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ में और भी अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट कर सकते हैं। पीएचडी के लिए पीएचडी पर विजिट कर सकते हैं। सिलेबस, करियर और बहुत सारे प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। आइए चलते हैं स्क्रीन पे, कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। ये वैकेंसी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एडवर्टीजमेंट नंबर 4/21। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ शेड्यूल अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इट इज़ द मोस्ट एम्बिशियस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेटअप टू बिल्ड हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड रेल फ्रेट कॉरिडोर्स अलॉन्ग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल्स। द फर्स्ट फेज कंप्राइजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स स्पेनिंग लुधियाना दिल्ली कोलकाता एंड मुंबई दिल्ली। एट प्रेजेंट द कंपनी हैज़ इट्स कॉरपोरेट ऑफिस एट न्यू दिल्ली, फील्ड यूनिट्स एट अम्बाला, मेरठ, टुंडला, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा। लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिशन है 23 में। आप 23 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू हो चुका है। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट CBT एग्ज़ाम है आपका June 21। ये टेंटेटिव है, कोरोना की वजह से डिले भी हो सकता है। आप फर्दर डिटेल के लिए लगातार वेबसाइट पर विजिट करते रहें, बने रहें। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये IDA पे स्केल। जूनियर मैनेजर सिविल टोटल वैकेंसी 31 है यहाँ पर। ऑन रिजर्व में 14, SC में 4, ST में 2, OBC में 8 और EWS में 3। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन BWD 2। पोस्ट एम्बार्क फॉर डिसेबिलिटी इज वन आर्म ओनली, ऑल्सो रिफर 0.5। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। 60% से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन साइंस BD। टोटल वैकेंसी है 77। पोस्ट कोड फ्रेंड्स आप ज़रूर याद रखेंगे, फॉर्म फिलिंग में ये सारी चीज़ें बहुत ही कहते हैं इसे पाइवोटल रोल प्ले करती हैं, तो आप इसे जो है कि भूल नहीं सकते हैं। कोड आपको याद रखना पड़ेगा जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। टोटल वैकेंसी जैसा कि यहाँ पर मेंशन है 77 है। वर्टिकल रिजर्वेशन ऑन रिजर्व 34, SC 11, ST 5, OBC 20, EWS 7। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 ईयर्स MBA, PG, DBA, PG DBM और PG DM, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे मास्टर लेवल के जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और इसमें भी आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे बाइफर्केशन के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, आप देख लें। उसके बाद जूनियर मैनेजर की बात करें मैकेनिकल में तो टोटल वैकेंसी है 3 एज मेंशन देयर। और वर्टिकल रिजर्वेशन, यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन ऑन रिजर्व में 3 पोस्ट एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन PBD
1. Post embark for disability in one arm only also refer point 5. मेडिकल स्टैंडर्ड एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. सो यहाँ पर इतने सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं. आप किसी भी इस एरिया से बिलोंग करते हैं, डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो यस यू आर एबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. और यहाँ पर एक चीज़ है कि 60% मार्क्स होने चाहिए. अब यहाँ पे अगर देखिए पोस्ट एग्जीक्यूटिव स्केल यहाँ पर दे रखा है 30,000 to 1,20,000 IDA पे स्केल एग्जीक्यूटिव सिविल टोटल वैकेंसी एज मेंशन हियर 73 वर्टिकल रिजर्वेशन अनरिजर्व 32 SC 11 ST 8 OBC 16 एंड EWS 6 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट. तो यहाँ पे आप जैसा कि अगर हम इंजीनियरिंग में बात करते हैं PhD वगैरह की भी तो वहाँ पर भी 60-65% मार्क्स आपका मिनिमम मांगा जाता है. जैसे हम कहते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको अनिवार्य अर्हता. एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी एज मेंशन हियर 42 अनरिजर्व 16 SC 6 ST 4 OBC 12 और EWS 4 हॉरिजेंटल रिजर्वेशन PWD 2 और एक्स सर्विसमैन 5 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एज मेंशन हियर डिप्लोमा 3 ईयर इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट. उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन टोटल वैकेंसी 87 वर्टिकल रिजर्वेशन ऑन रिजर्व 35 SC 12 ST 8 OBC 24 EWS 8 हॉरिजेंटल रिजर्वेशन 8 एक्स सर्विसमैन 11 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज मेंशन हियर डिप्लोमा 3 ईयर इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके अगर आपको इसमें अप्लाई करना है क्योंकि मुझे फटाफट सारे ही कवर करने हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BT टोटल वैकेंसी एज मेंशन हियर 237 अनरिजर्व 96 SC 36 ST 17 OBC 65 EWS 23 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए इसके लिए. एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल टोटल वैकेंसी 3 अनरिजर्व 3 PWD 1 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा 3 ईयर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर्स फील्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आप देख लें वीडियो पॉज करके. उसके अलावा है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल टोटल वैकेंसी 135 बाइफर्केशन के द्वारा समझाया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. बाइफर्केशन के द्वारा सभी सीट्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं. मैंने बहुत सारे बताए हैं फॉर एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे देखना है. जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन NBD जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल आफ्टर दैट यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं पोस्ट. उसके बाद यहाँ पे एज लिमिट आप यहाँ पे देख लें जूनियर मैनेजर 18 to 27 एग्जीक्यूटिव 18 to 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव 18 to 30. वेबसाइट की बात करते हैं तो www.dfccil.com और फॉर फर्दर रेफरेंस आप जैसे यहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और भी डिटेल्स आप ले सकते हैं. एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप उनके कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके. यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियर पोस्ट दिया हुआ है आप देख सकते हैं. क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह के डिटेल यहाँ पर दी हुई है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जूनियर मैनेजर के लिए 1000 रुपये, एग्जीक्यूटिव के लिए 900, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700, 700। एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। वेबसाइट एक बार फिर से नोट कर लें, www.dfccil.com। आप 23 मई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल के टेक दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।